आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे, आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। कर दिया गया। अब तो राजद के परिवारवाद पर जब चोट करिएगा और उसी के गोद में बैठकर राजनीति करने का कोशिश कीजिएगा तो इस तरह का तो जवाब मिलेगा ही। नीतीश कुमार आज परिवारवाद पर चोट भी करते हैं और उन्हीं परिवारवादियों के भरोसे सरकार भी चला रहे हैं, तो दोनों चीज तो चलेगा नहीं। और रोहिणी आचार्य जी ने अगर आज कोई ट्वीट करके उनको आईना दिखाने का काम किया है तो निश्चित रूप से जब खेलिएगा तो खेलना तो पड़ेगा पूरा। कल परिवारवाद आज हवा की रुख की तरफ भी जब बदलता विचारधारा, आखिर चल क्या रहा है इस सरकार में? देखिए, जब से ये सरकार बनी तब से केवल और केवल राज्य की जनता की चिंता या विकास की चिंता, ये सब तो कभी विषय रहा नहीं। पहले दिन से ये प्रयास था कि नीतीश कुमार दिल्ली जाए और जाके तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी खाली करें, तो नीतीश कुमार को कांग्रेस ने दरवाजा बंद कर दिया मुंह पर। अब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। तो ये जो खेल है ये इसी चीज का रस्सोकसी का खेल है। उनको एनडीए कन्वेनर का बहुत सपना था, प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने का सपना था, सारे सपने चकनाचूर हो गए। चौराहे पर लाकर लालू जी ने उनको खड़ा कर दिया, तो लालू जी को भी उन्होंने पूरी तरह से उनके बेटे का जो सपना देखे थे मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना चकनाचूर कर रहे हैं। तो ये लड़ाई तो उसकी है, एक का सपना टूटा तो दूसरे ने दूसरे का सपना तोड़ा।